स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप अपने MI फ़ोन को पूरी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं iPhone में, पूरी तरह से iOS में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपने इंटरफेस को पूरी तरह से iOS में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों ये देखिए मेरा सेट है नोट 6 प्रो MI का, जो कि Xiaomi का है, उसको मैं आपको करके कन्वर्ट दिखाऊंगा। इसमें देखिए आप लोग MI का सॉफ्टवेयर है, पूरी तरह से इंटरफेस देख लीजिए, सेटिंग्स वगैरह हर जगह MI लिखा हुआ है। इसमें आपको MI अकाउंट दिख रहा होगा, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा। आप लोग मैसेज भी देख सकते हैं, इसका मैसेज इंटरफेस वगैरह सब कुछ अलग है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सिंपल सा सर्च करना है MI थीम एडिटर। MI थीम एडिटर के बाद आपको ये पेज खुलेगा जिसको कि आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। इसे इंस्टॉल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसे इंस्टॉल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अनऑफिशियली चीज़ों को ऑफिशियली MI ऑफिशियली में चेंज कर देता है। उसके बाद आपको अपने UC ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र है उसे ओपन कर लीजिए। वहाँ पे आप सर्च करेंगे ये फाइल। इसका मैंने लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी ढूंढने में। इसे आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। सिंपली सा यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा और ये डाउनलोड में लग जाएगा। मैंने इसे डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मुझे इसे डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। उसके बाद आप MI का थीम एडिटर ओपन कीजिए। इसमें आपको दिख रहा होगा ब्राउज, आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आप उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, वो MTZ फाइल होता है, आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, यानी कि स्टार्ट। स्टार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नेक्स्ट बटन आएगा। नेक्स्ट बटन पे फिर से क्लिक कीजिए, फिर आपको फिनिश आएगा, फिनिश कीजिए। फिनिश करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट का टाइम लेता है इसको फाइनलाइज होने में। जब तक ये फाइनलाइज हो रहा है तब तक चलिए हम लोग देखते हैं इसके पूरे फेस को। जब ये फाइनलाइज हो जाएगा, जब ये लोड हो जाए, उसके बाद आपको खोलना है MI थीम। MI थीम खोलने के बाद आपको राइट साइड के लेफ्ट में जो दिख रहा है उसे क्लिक करने के बाद थीम पे आप जाएंगे तो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अप्लाई। अप्लाई रेड कलर का जो थीम है वो आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ये जब 100% होगा तो ये आपसे रिबूट का ऑप्शन मांगेगा। अगर ये फर्स्ट टाइम है तो ये रिबूट मांगेगा, आप इसे रिबूट कर देंगे। रिबूट होने के बाद जो आपका ये सिस्टम होगा वो पूरी तरह से iOS में कन्वर्ट होगा, पूरी तरह से चेंज होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चेंज होने के बाद ये कैसा दिखता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से आईफोन में चेंज हो चुका है। नीचे आपको बीच में आईफोन का सिंबल दिख रहा होगा, आपको ऊपर भी आईफोन दिखेगा। अब देखिए मैं सेटिंग्स में दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं ऊपर आईफोन का ID है, उस पर लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है। नीचे आप देखिए जहाँ पे MI था वहाँ पे आपको iCloud आ गया है। उसके बाद मैं आपको अंदर में सॉफ्टवेयर में दिखाता हूँ। ये मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया, सिस्टम अपडेट में आप देख रहे हैं iOS Boss वर्जन 10 लिख रहा है, यानी कि पूरी तरह से iOS में कन्वर्ट हो चुका है। और अब मैं आपको कुछ इंटरफेस दिखाता हूँ जिससे कि ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि ये MI है या iPhone है। देख रहे हैं आप लोग पूरी तरह से थीम को चेंज किया कर दिया गया है। ये डायल पैड है, ये आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, ये मैसेज हो गया, ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया आईफोन में। अब इसका लुक आपको काफ़ी ही ग्लॉसी और प्रीमियम फील देता है। इसके ऊपर से आप लोग देखेंगे अगर ये स्लाइड करने के बाद जो आता है वो भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है और हर जगह आपको आईफोन के ही सिंबल दिखेंगे और आईफोन का ही आपको टैगलाइन दिखेगा। ये पूरी तरह से आईफोन कन्वर्टेड थीम है। अब मैं चलिए आपको इसके आइकॉन दिखाता हूँ लॉक स्क्रीन के बाद। देखिए जैसा कि लॉक स्क्रीन में ऊपर से भी आप इसे अगर स्लाइड करते हैं राइट साइड से तो ये आईफोन का पूरा आ जाता है, और ऊपर से करते हैं तो भी ये आईफोन का ही आता है। तो पूरी तरह से इसे कन्वर्ट कर देता है ये आईफोन में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।